24 घंटे में 45,000 से कम आए कोरोना केस, 911 संक्रमितों की मौत। अब मसूरी में प्रवेश करने से पहले दिखानी होगी कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट, भीड़ बढ़ने पर हुई सकती। दिल्ली कैबिनेट ने रियल टाइम सोर्सेज अपोर्शनमेंट स्टडी को दी मंजूरी, प्रदूषण के स्रोत रियल टाइम में होंगे ट्रैक। गंगा में नहीं पाए गए कोरोना वायरस के निशान, रिसर्च के बाद नदी कोविड फ्री घोषित। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कराएगी दिल्ली सरकार, उठाएगी पूरा खर्च। करते हैं शुरुआत पहाड़ समाचार के साथ। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पुष्कर सिंह धामी नई दिल्ली के दौरे पर पहुंचे, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी कर सकते हैं। उनकी दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री से मुलाकात हो सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। उनका कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मिलने का कार्यक्रम है। तो पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं, हालांकि मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा उनका है। ऐसे में किस चीज को लेकर वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं, किन बातों, क्योंकि आगामी चुनाव है 2022 में उत्तराखंड में भी, तो उसको लेकर भी शायद तक मंथन किया जा सकता है, और किन्हीं मुद्दों पर आज बड़ी चर्चा हो सकती है। मुख्यमंत्री धामी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मुलाकात कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह और जेपी नड्डा से भी हो सकती है मुलाकात। वहीं इस खबर पर हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या लगता है पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं तो किन बातों को लेकर, किन मुद्दों पर लेकर प्रधानमंत्री से आज उनकी चर्चा होगी? जी बिल्कुल, बता दो, मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार वो दिल्ली जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इस समय वो दिल्ली जाने का कारण ये है कि कहीं ना कहीं चुनाव अब नजदीक है, और चुनाव के रणनीति को देखते हुए, 6 महीने कुल बचे चुनाव के लिए, उसी को देखते हुए पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली पहुंचे। और दिल्ली में उनकी अभी मुलाकात राष्ट्रपति से होनी है, प्रधानमंत्री से होनी है, कृषि मंत्री से होनी है, अन्य मंत्रियों से होनी है, और साथ साथ कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि अब कांवड़ यात्रा के चक्कर से भी कहीं ना कहीं अब कांवड़ यात्रा को देखते हुए कि उसका क्या आगे की स्थिति होगी, क्या परिस्थिति होगी, उसके लिए भी कहीं ना कहीं लगता है कि पुष्कर सिंह धामी आज वहां से आने का बैठक के बाद कोई नतीजा देंगे। जी हम आप पूरी जानकारी देते रहिएगा हमें, बहुत बहुत शुक्रिया अभी फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हो सकता है जिस तरह से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा को मंजूरी दे दी है, उसके बाद पुष्कर सिंह की मुश्किलें बढ़ गई, तो दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बात पर भी चर्चा हो सकती है, और 2022 के चुनाव है तो उसको लेकर भी कहीं ना कहीं मंथन जरूर होगा। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 65 संक्रमित मिले हैं। वहीं प्रदेश में लगातार तीसरे दिन एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 184 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेज दिया गया है। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1319 पहुंच गई है। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,41,088 हो गई है। इनमें से 3,26,451 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7338 लोगों की जान भी जा चुकी है। तो बीते 24 घंटे में 65 संक्रमित मिले हैं, हालांकि मौतों का आंकड़ा अभी तक सामने नहीं आया है, किसी की भी मौत की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन लगातार कोविड को लेकर बीते 24 घंटे में 65 संक्रमित मरीज मिले हैं। तो उत्तराखंड में कोरोना के मामलों में कमी दर्ज की जा रही है। कोरोना अपडेट हम आपको बता रहे हैं, 24 घंटे में 65 नए संक्रमित मिले हैं। शुभम, क्या स्थिति देख पा रहे हैं कोरोना की? जी बिल्कुल, बता दो, जिस तरीके से अब कहीं ना कहीं अनलॉक की प्रक्रिया भी उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है, उसे देखते हुए जो है अब कोरोना की संख्या जो है यहाँ मामलों की घटती जा रही है दिन प्रतिदिन, बहुत खुशी की बात है। तीसरी लहर की बात करें तो सरकार भी कहीं ना कहीं अपने पुख्ते इंतजामों के साथ है कि आने वाली लहर को देखते हुए, और अगर लहर आती है तो उसके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं भी पूरी तरीके से चरस्त है। जी, और वैक्सीनेशन की क्या स्थिति देख पा रहे हैं, क्या टेस्टिंग के जो आंकड़े हैं उसमें वृद्धि दर्ज की जा रही है वैक्सीनेशन में, क्योंकि बीच में आपने बताया था कि कहीं ना कहीं वैक्सीन की कमी दर्ज की जा रही थी उत्तराखंड में, तो वैक्सीन की आपूर्ति कर ली गई है?
जी बिल्कुल बता दो आपको कि अभी भी वैक्सीन की कहीं ना कहीं पूर्ति पूरी नहीं हो पा रही। किसी राज्य किसी जगह तो लोगों को वैक्सीन पूरी मिल रही है, लेकिन कहीं कहीं देहरादून की स्थिति की बात करी जाए तो वैक्सीन अभी भी थोड़ी बहुत कम है। और लोगों के अंदर अगर उत्साह की बात की जाए तो लोग लगातार वैक्सीन के प्रयासों में लगे, चाहे वो प्राइवेट में जाके कराए चाहे वो सरकारी में कराए। जी यानी कि अभी भी लोग वैक्सीन के लिए भटक रहे हैं, उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, और जिनको दूसरी डोज लेनी है उनको भी वैक्सीन नहीं मिल पा रही। शुभम, यानी कि आप स्थिति ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल, बात करो दूसरी डोज की, दूसरी डोज के लिए लोग अभी भी बहुत तरस रहे हैं। लगभग 70% जनता देखी जाए तो दूसरी डोज से तरस रही है, केवल 10% जनता है जिनको अभी तक डोज लग चुकी है दूसरी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए। मामलों में तो कमी आ रही है, लेकिन वैक्सीन की रफ्तार जहां बढ़ाने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार बोलते आए, उसको लेकर भी संकट ही मंडरा रहा है कि वैक्सीन की कमी दर्ज की जा रही है और जिनको दूसरी डोज लगनी है वो भी इस परेशानी से जूझ रहे हैं। तो समय पूरा होने के बावजूद भी लोगों को दूसरी डोज नहीं मिल पा रही है, लगातार वैक्सीन की कमी दर्ज की जा रही है। कोरोना टेस्टिंग को भी इतनी रफ्तार नहीं मिल पा रही है उत्तराखंड में, हालांकि केसेस में कमी आई है और मृत्यु दर में भी कमी आई है। बढ़ते आगे, कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में नई और अत्याधुनिक डिजिटल एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ ही होना इस्लाम नगर में 10 लाख की लागत से बनी पेयजल की पाइपलाइन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की भी नियुक्ति कराई जाएगी, जिससे जनता को सारी सुविधाएं अस्पताल में मिल सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को हाईटेक अस्पताल के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया जाएगा। डिजिटल सीआर एक्सरे मशीन यहाँ पर दी है, इसकी लागत 7 लाख रुपया है, और इसके अलावा अल्ट्रासाउंड मशीन जो बेहतरीन क्वालिटी वाइज बेहतरीन है, इसके लागत 19 लाख रुपया है। ये हमने यहाँ पर आज इस हॉस्पिटल को और जनता को समर्पित की है। इसके अलावा हमने पिछले दिनों में ऑक्सीजन पाइपलाइन का भी हमने विधिवत उसकी शुरुआत होने जा रही है। 80 लाख की लागत से यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है, तो निश्चित रूप से कोविड को देखते हुए ये आवश्यकता भी है, ज़रूरत भी है, और यह क्षेत्र बहुत जो आवश्यकताएँ होती है, सुविधाएं होती है, स्वास्थ्य सेवाएं, उसके जो ज़रूरत होती है उसको देखते हुए अल्ट्रासाउंड मशीन का होना यहाँ अत्यंत आवश्यक था। तो जो भी हम बेहतर कर पाएंगे बाजपुर के विकास के लिए, हॉस्पिटल के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी है। देहरादून के अलावा पौड़ी, नैनीताल, पिथौरागढ़, बागेश्वर, टिहरी जैसे जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से इन जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाओं के लिहाज से सारे एहतियाती कदम उठाए जाने की ज़रूरत बताई है। नदियों नालों के किनारे बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने की भी ज़रूरत है। भारी बारिश के चलते संवेदनशील इलाकों में भूस्खलन के साथ ही कहीं ना कहीं पहाड़ी इलाकों में भी नदियों में तेज जल प्रवाह की संभावना बनी हुई है। तो जैसे ही मानसून आता है, बारिश की दस्तक होती है, वैसे ही तुरंत ही पहाड़ी इलाके जो है वो जलमग्न होने, भूस्खलन जैसी समस्याओं उत्पन्न करने की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, जिसके बाद जो लोग ऐसे जल भराव वाले भूस्खलन वाले जगहों पर रहते हैं जहां खतरा उनके पास बना रहता है, उनको लेकर सरकार तुरंत सतर्क हो जाती है और उनको कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की कोशिश करती है। क्योंकि एक बार फिर मानसून को लेकर चेतावनी उत्तराखंड में जारी कर दी गई है कि भारी से कई गुना ज़्यादा भारी बारिश होने की आशंका जताई जा रही है, येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है। वहीं बार फिर हमारे साथ शुभम जुड़ चुके हैं। शुभम, क्या स्थिति देख पा रहे हैं, क्योंकि भारी बारिश की मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है, मौसम विभाग ने बारिश को लेकर, तो जो लोग ऐसे इलाकों में रह रहे हैं जहां पर कहीं ना कहीं खतरा है, तो उनको उनके लिए सरकार क्या कुछ करने वाली है? जी बिल्कुल बता दो, जिस तरीके से अब बरसात भी नजदीक है और कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जिस तरीके से चेतावनी दी गई थी येलो अलर्ट की, कहीं ना कहीं सच साबित होती जा रही है, क्योंकि सुबह से देखा जा रहा है कि लगातार राजधानी देहरादून में बारिश चल रही है और बारिश की जो गति है वो भी काफी तेज है। और बात करो अगर पहाड़ों की, तो पहाड़ों में भी हाई अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें उत्तरकाशी, पौड़ी, टिहरी, चमोली और मदीना जैसे क्षेत्र है जिसमें भारी बारिश और बर्फबारी के आदेश दिए गए हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शुभम।
सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले समय में अगर भूस्खलन होता है, जलभराव होता है, बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो लोग सुरक्षित रहें। उत्तराखंड के चंपावत में बने पंचायत भवन में कृषि स्वरोजगार ग्रामीण योजना के तहत कई किसानों को फूलों की बीज वितरित किए गए। इस नई स्वरोजगार योजना के मिलने के बाद लोगों के चेहरे पर काफी खुशी देखने को मिली। कई लोगों का कहना है कि अगर सरकार इसी तरह उत्तराखंड के लोगों की तरफ ध्यान देगी तो यहाँ रोजगार की समस्या धीरे धीरे कम हो जाएगी। मालूम हो कि इस वक्त उत्तराखंड में काम ना मिल पाने के कारण कई लोग पलायन को मजबूर हैं। ऐसे में इस पहल से कहीं ना कहीं थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। संस्था के माध्यम से हम लोग यहाँ पे महिलाओं को सुगंधित पौधों का बीज का वितरण कर रहे हैं। यहाँ करीबन 70 से 80 महिलाएं को हम लोग बीज दे रहे हैं और वो भी निशुल्क। और ये बेसिकली हम लोग यहाँ पे बंजर ज़मीनों के ऊपर खेती के लिए हम लोग इनको समझा रहे हैं, जिससे ये लोग यहाँ पे काम कर सके और इनको जो बंजर ज़मीन से कुछ भी नहीं मिल रहा है उस पर इनको मदद मिल सके। वही इस खबर पर इस वक्त हमारे साथ पार्वती जुड़ चुकी हैं। पार्वती, लोगों के लिए स्वरोजगार योजना के तहत जो बीज दिए गए हैं उससे लोगों के अंदर किस तरह के आप रिएक्शन देख पा रही हैं, लोगों का क्या कुछ कहना है? देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो ये बीज वितरित किए गए थे इससे पहले प्रेरी शेड के पौधे यहाँ वितरित किए गए थे मार्च अप्रैल के महीने में, तो किसानों ने वो पौधे लगाए, वो बड़े अच्छे हो रखे हैं, सक्सेस हुए हैं। इससे किसानों को ये उम्मीद जगी है कि आगे को भी हम लोग ये फूलों की खेती करना चाहते हैं। इससे पहले भी किसानों ने यहाँ खेती करते थे, आलू गोभी मटर आदि चीज की खेती किया करते थे, जिससे कि किसान बहुत परेशान थे, जंगली जानवरों से परेशान थे, मौसम की वजह से परेशान थे। तो इन प्लांटों के जो वितरित हुए इससे किसानों में एक बड़ी आशा, एक बड़ी उम्मीद जगी हुई है कि आगे को हम लोग इन फूल प्लांटों की खेती करेंगे, जिससे कि हम लोगों को रोजगार मिल सके। पार्वती, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्वरोजगार के तहत लोगों को जोड़ने के लिए ये बीज वितरित करे गए हैं। हालांकि लोगों के अंदर भी संतुष्टि है, खुशी की लहर है, क्योंकि उत्तराखंड में रोजगार की कमी उत्पन्न हो गई है, पहले से थी और भी ज्यादा उत्पन्न हो गई कोरोना के चलते। तो लोगों को पलायन करना पड़ रहा था, अपने घरों को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर कामकाज ढूंढने की जरूरत पड़ रही थी, जिसको लेकर ये जो योजना शुरू की गई है उससे लोग काफी ज्यादा संतुष्ट हैं। कोरोना गाइडलाइन के पालन और यातायात व्यवस्था को लेकर नगर पालिका परिषद अध्यक्ष, पुलिस प्रशासन, मसूरी व्यापार मंडल, टैक्सी एसोसिएशन और होटल एसोसिएशन की अहम बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें निर्णय लिया गया है कि बाहर से आने वाले पर्यटक को आरटीपीसीआर रिपोर्ट और स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने के पश्चात ही उत्तराखंड में आने की अनुमति मिलेगी। पर्यटकों की सुविधा के लिए कहा गया है कि वो होटल में कमरा बुक करने के पश्चात ही यहां आए, ताकि उन्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। साथ ही टैक्सी और रेड़ी पटरी के दुकानदारों के लिए भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई करने की नीति बनाई गई है। तो मसूरी में लगातार जैसे ही अनलॉक हुआ है, वैसे ही जो सैलानी है वो काफी तादाद में पहुंच रहे हैं और मसूरी मनाली जैसे इलाकों में ये देखने को मिल रहा है कि जो सैलानी जो वहां पर घूमने आ रहे हैं उनको रूम्स नहीं मिल पा रहे हैं, जिस तरह से परेशानियां हो रही हैं क्योंकि भीड़ कई ज्यादा इकट्ठा हो गई है। तो उसको लेकर ही ये बैठक की गई, जिसमें ये निर्णय लिया गया है कि आरटीपीसीआर तो सुनिश्चित की ही जाए, साथ ही पहले से ही होटल्स में रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है। जिनके पास आरटीपीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट होगी, रजिस्ट्रेशन करा रखा होगा, उन्हें ही उत्तराखंड में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। मसूरी में कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार को अपनाए जाने और कोविड गाइडलाइंस का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किए जाने के लिए जो भी आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं, उस संबंध में चेयरमैन नगरपालिका महोदय और व्यापार मंडल, होटल एसोसिएशन, टैक्सी एसोसिएशन के और अन्य सभी स्टेक होल्डर्स के साथ ये मीटिंग की गई है। इसमें कुछ बातों पर सहमति बनी है, जिसमें ये सभी होटल व्यवसायी और व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जितने भी लोग हैं वे सभी अपने अपने तरीके से सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के सभी उपादानों का प्रयोग करते हुए लोगों को ये मैसेज देने की कोशिश करेंगे
कि बिना आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट के वो मसूरी, देहरादून या उत्तराखंड ना आए। हम मालरोड में पर्यटकों की एवं स्थानीय लोगों की सुरक्षा बनाए रखें, कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोक सकें और जो मालरोड में ट्रैफिक व्यवस्था है उसको हम सुचारू रूप से कर सकें। जो अवैध टैक्सी स्कूटी, जो छोटे बच्चे स्कूटी चला रहे हैं, इन सबको हम रोक सकें। माल रोड पे जगह जगह जो नो ट्रैफिक जोन पे गाड़ियां पार्क हो जाती है, इन सब विषयों पे बहुत देर चर्चा हुई और हमने पुलिस प्रशासन को बोला है कि हमारा पूरा सहयोग इसमें रहेगा। इन्होंने वादा किया है कि पूरा सहयोग ये लोग हम लोगों को करेंगे। हमने अपने 10 पीआरडी जवान भी इन लोगों को। चमोली के वसुधारा फ्लक्स के पास साधु का शव मिले, सड़क मच गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस व एसडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पानी के तेज बहाव और हवाओं के बीच शव का रेस्क्यू करने में काफी परेशानियां का सामना करना पड़ा, जिसके चलते पुलिस व एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद शव को निकाला। बद्रीनाथ के थाना अध्यक्ष सतेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि शव के वस्त्रों से मिली आईडी के अनुसार ये शव साधु का है, जिनका नाम भांगू दास है, जो गुजरात का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आगे की जांच शुरू कर दी है। वसुधरा में एक युवक का शव मिला, तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। भारी बारिश के चलते यहां से शव का रेस्क्यू करना बड़ी चुनौती थी पुलिस के लिए, जिसको लेकर हालांकि उत्तराखंड पुलिस ने मजबूती के साथ सामना किया और रेस्क्यू किया। शव को निकाल लिया गया है। जो आईडी मिली है शव के पास से, वो ये बता रही है कि जो शव है वो एक साधु का है। फिलहाल इस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की जांच शुरू कर दी गई है। लक्सर में बीती 7 जुलाई को वैवाहिक समारोह में डीजे पर शुरू हुए विवाद में दो पक्षों में झगड़ा हुआ था, जिसमें कई लोग घायल हुए थे और एक की मौत भी हो गई थी। पुलिस ने जांच शुरू कर 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और उनकी तलाश कर रही थी, जिसमें पुलिस को अब सफलता भी मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 लोगों को हिरासत में ले लिया है। लक्सर CO विवेक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अभी भी फरार चल रहा है। फिलहाल हम 5 आरोपियों को न्यायालय में पेश करेंगे। का एक इंसिडेंट हुआ था कोडा गांव में, इसमें जो बाराती और घरातियों के बीच में डीजे को लेकर एक विवाद था, जिसमें बसंत नामक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। इस सिलसिले में 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी आज हो गई है और इनको अदालत के सामने पेश किया जा रहा है। तो 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है लक्सर पुलिस द्वारा, बड़ी सफलता मिली है। बता दें 5 लोग काफी समय से फरार चल रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पार समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और देखते रहिए प्राइम टीवी।